महाराष्ट्र में चली सियासी उठापटक के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर चुकी है। एकनाथ शिंदे जहां राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो वहीं देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अब उद्धव सरकार के जाने के साथ साथ उनके लिए फैसलों को बदलने की कवायद भी शुरू हो गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार को आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिला है। शरद पवार ने ट्वीट करते हुए आईटी की तरफ से मिले नोटिस की जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि मैंने 2009 में लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा था। 2009 के बाद मैं 2014 के राज्यसभा चुनाव के लिए खड़ा हुआ था और अब 2020 के राज्यसभा चुनाव के हलफनामे को लेकर भी मुझे नोटिस आया है। सौभाग्य से मेरे पास उसकी जानकारी क्रम में है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे 2004, 2009 और 2014 और 2020 में दायर चुनावी हलफनामों से संबंधित जानकारी के लिए आयकर से एक प्रेम पत्र मिला है। ये कहते हुए कि उन्होंने ये भी कहा कि जानकारी देने की चिंता नहीं है। वहीं अपने एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, आयकर विभाग की दक्षता में गुणात्मक वृद्धि हुई है। इतने सालों से जानकारी एकत्र करने और कुछ लोगों से जानकारी एकत्र करने पर ध्यान केंद्रित करना एक रणनीतिक बदलाव प्रतीत होता है। इसके साथ ही शरद पवार ने केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए लिखा कि ईडी और केंद्रीय एजेंसियों की मदद का इस्तेमाल आजकल हो रहा है और इसके नतीजे दिख रहे हैं। विधानसभा के कई सदस्यों का कहना है कि उन्हें जांच के नोटिस मिले हैं। यह नया तरीका शुरू हो गया है। हम 5 साल पहले ईडी का नाम तक नहीं जानते थे। आज गांवों में भी लोग मजाक में कहते हैं कि तुम्हारे पीछे ईडी लगा होगा। आपको बता दें कि बीते दिनों महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिला, बड़ा संग्राम देखने को मिला, जिसके बाद सत्ता में परिवर्तन हुआ और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ऐसे में उद्धव सरकार के जाने के बाद से ही लगातार उद्धव सरकार के लिए गए फैसलों के बदलने की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।